गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज भी मौसम वैसे ही, पूरी गर्मी हो रखी है, बादल दिख रहे हैं लेकिन दिन भर में रात में बहुत ज़्यादा गर्मी। पूछो मत, पीर तो बेड से नीचे सो गया, रात को एसी भी नहीं चलाया उसने, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अभी जस्ट पार्किंग सिग्नल पर रुका हुआ हूँ, तो सिग्नल थोड़ा सिग्नल चालू हो गया, चलो बाद में बात करूँ। आई जस्ट रीच्ड माई ऑफिस, सो थॉट कि ऊपर जाने से पहले जो मैं वीडियो चालू करना चाह रहा था वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या मैंने आज गाड़ी में डिस्कवर किया है। और जैसे मैंने बोला कि एक्सयूवी में चलाते चलाते कुछ ना कुछ काफ़ी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे डिस्कवर हो रही, तो आज चलते चलते मैंने कुछ चीज़ डिस्कवर की जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इसका है ट्रिप सेटिंग का, कि आप ट्रिप सेटिंग में, पहले मैं सोच रहा था प्रोग्राम में जाके आप चीज़ें चेक कर सकते हो, बट आपका यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिसके चलते आप ट्रिप सेटिंग कर सकते हो। दूसरा इसमें रिवर्स कैमरा दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उसको देख सकते हो पीछे से। ये आप देख सकते हो, ये ट्रिप का बटन है। अगर यहाँ पे ट्रिप का बटन मैं प्रेस करूंगा तो ये सामने देखोगे आप स्पीडोमीटर में चेंज होता जाएगा, कितना डिस्टेंस एम्प्टी, क्या एवरेज चल रहा है गाड़ी का, फिर क्या स्पीड पे, अभी स्पीड देख रहे हो आप जीरो है, देन कितना डिग्री सेल्सियस है गाड़ी के अंदर, लॉन्ग एंटर करने का क्या डिटेल्स है, क्लस्टर सेटिंग है, तो ये सारी चीज़ें और यहाँ पे सेट कर सकते हो कि क्या सेट करना है। प्लस इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है जो है ये रिवर्स कैमरा। ये देखिए गाड़ी चलाते चलाते आप देख सकते हो रिवर्स कैमरा भी देख सकते हो, तो रिवर्स कैमरा भी आप देख सकते हो, तो चलते चलते भी आप देखना चाहते हो कि गाड़ी आपके आगे पीछे है, तो वो दैट ऑल्सो यू कैन सी। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो दिखे मेरे को, मैंने कहा इसके साथ शेयर कर लेते हैं, बाकी और कुछ ना कुछ तो आएगा। आपने मेरा ओनर्स रिव्यू तो देख ही लिया होगा हाईवे एक्सपीरियंस का क्या है, नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, वो मुंबई शिरडी वाले प्लेलिस्ट में भी उसमें मैंने डाला हुआ अलग से। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई हैव जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस एंड रीच टू वन प्लेस टू बाय अ पनीर। और पनीर जो है, मैं पंजाब सिंध का हम लेते हैं, पंजाब सिंध का पनीर जो इसी एरिया में मिलता है, तो घर से फोन आया कि पनीर लेके आना, तो वही लेने के लिए आया हूँ यहाँ पे। बहुत ही सॉफ्ट रहता है पनीर, और जो हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम लेते हैं तो मिलता तो है गोवर्धन और इसका पैकेट में, बट उतना मज़ा नहीं आता, सख्त हो जाता है। बट पनीर, पंजाब सिंध का जो पनीर है इज़ वेरी सॉफ्ट, एंड अगर आप लोग खाते होंगे तो आपको पता होगा इट्स अ वेरी सॉफ्ट पनीर, वेरी सॉफ्ट पनीर। चलिए ले लेते हैं फटाफट। सो ये फ्रंट का आप देख रहे हैं सिनेमेटिक मोड में है, वैसे तो इतना क्लैरिटी आएगा, बट दिस इज द मार्केट आई थिंक, इधर ही शॉप भी यहीं पे है। ये थोड़ा आगे पार्किंग का यहाँ चैलेंज रहता है, होपफुली पार्किंग मिल जाए 2 मिनट के लिए, तो हम फटाफट ले लें पनीर। लेट्स सी, पार्किंग का पंगा तो नहीं होना चाहिए। ओके, पार्किंग नहीं है, थोड़ा आगे लगा के देखते हैं। सो ले लिया पनीर, काफी फटाफट लेना पड़ा क्योंकि गाड़ी मैंने एकदम रास्ते पे लगाई थी, वहां पे पार्किंग का बड़ी प्रॉब्लम थी, पार्किंग नहीं थी, थोड़ा सा आगे लगाई थी लेकिन फटाफट आना पड़ा, इसके लिए ज्यादा शूट नहीं करा। और आदि ने मंगाई थी मिठाई खाने के लिए, बट वहाँ पे पार्किंग थी नहीं जिसकी वजह से मैं गाड़ी रोक नहीं सकता था, इसके लिए मेरे को निकलना पड़ा। अभी देखते हैं घर जाके, अचानक से आदि का मूड बन गया मिठाई खाने का, हालांकि वो संडे खाता है। मैं वाइफ से वही बोल रहा था कि जब हम डिसाइड करते हैं कि मतलब हम एक डायलॉग बोल रहे थे कि जब हम शरीफ क्या हुए कि सारी दुनिया बदमाश हो गई, वही वाली बात होगी कि हमने मीठा क्या छोड़ दिया कि अभी सब लोग मीठा खाना शुरू कर दिए। और ये हमेशा होता है कि जब आप मीठा खाना छोड़ते हो तो वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आपके सामने आएगी, तो नेचुरल है। इनफैक्ट मैंने काफ़ी टाइम पे नोटिस भी किया है। सो देखते हैं, घर जाके मंगाना पड़ेगा या देखते हैं और मंगा, या कल के भी पड़ा हुआ है कुछ मिठाई तो पड़ी हुई है, दे विल ईट, लेट्स सी। और कल तो गाड़ी मोर और लेस मेरी जाएगी फर्स्ट सर्विसिंग में,
और इसका एक छोटा सा काम भी बाकी है, वो कोटिंग का, वो भी हम करा लेंगे। तो फर्स्ट सर्विसिंग कल होने वाली है। हालांकि 1200 किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है, 1000 किलोमीटर चलनी चाहिए थी, क्योंकि शिरडी गए थे तो इसके लिए थोड़ा सा किलोमीटर बढ़ गया, अदरवाइज 800 से नीचे ही हो रही थी मेरी गाड़ी। और फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कहते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी खुल जाती है, तो मोर और लेस वो डिफरेंस तो दिखेगा। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। पिकअप बोला है मैंने, ऑफिस से पिकअप करेंगे, ऑफिस में ड्रॉप कर देंगे शाम को, एंड फिर देखते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। यह है केरला के बनाना चिप्स। आज मेरे को एक हमारे कलीग केरला गए थे, वहाँ से लेके आए और उन्होंने मुझे दिया। और ये भी चिप्स ही लग रहे हैं, बट इसको क्या बोलते हैं बताइएगा हमको, हम खोल के देखते हैं, इसको खा के देखते हैं क्या है। खोल लिए ज़रा मैडम, ये तो चिप्स है, ये तो फॉर श्योर चिप्स है। बनाना के तो नहीं लग रहे, बनाना है। अरे बनाना इतना बड़ा कब से हो गया? बनाना क्या इतना बड़ा कब से हो गया? बनाना है कोई? हाँ आदि बनाना है ना। बोला बनाना बाकायदा। खा नहीं रहा हूँ ये देखना, ये वाला क्या है? ये वाला कंस्ट्रक्शन का काम इतना चल रहा है यहाँ पे कि इतना हल्ला आता है। क्या चीज है? बनाना। ये भी बनाना। बनाना इतना बड़ा होता है क्या? तूने अभी तक छोटे वाले खाए, ये बड़ा वाला है। और ये एक्चुअल बनाना चिप्स फ्रॉम केरला। तो थैंक यू अब्दुल फॉर गिविंग दिस। तो मीठा नहीं लेके आए? मीठा ना, पार्किंग में वहाँ पे जगह ही नहीं थी भाई। पापा टी शर्ट देखना लड़के की, ठीक है? ये अभी से पहन ली थी ना, बॉर्न टू राइड टी शर्ट। ये देखो, ये सिरडी से जो टी शर्ट लाए थे ये पहन ली। आज हमारी बन रही है क्या बोलते हैं, कढ़ाई पनीर ना। ओहो हो, ये है शिमला मिर्च और ये है प्याज। और इनका तरीका होता है काटने का, पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है। और खास तौर से जब टीना बनाती है तो उसकी बात ही अलग होती है। कभी कभी खिलाएंगे आपको टीना के हाथ की भी। तू क्या कर रहा है मेरे भाई? है देखो कैसे लगा रहा है बाहर, वो देखो बाहर की लाइट जला दी उसने। अरे मेरे भाई उसका प्लग एक ही है। ये है हमारा पंजाब सिंध का पनीर, प्रीमियम मलाई पनीर पंजाब एंड सिंध। अच्छा रहता है ये, एक्चुअली गुड फॉर कैल्शियम, वेरी सॉफ्ट पनीर, एकदम सॉफ्ट पनीर है। सो ये आदि और वीर को मैं ये गेम बता रहा हूँ जो मैंने सुबह कल उसमें बताया था कि वर्ल्ड ली का है। सो ये एक्चुअली आपको वर्ल्ड ली न्यूयॉर्क टाइम्स में जाना पड़ेगा, तो ये आपको दिखेंगे वर्ड्स। अभी तुम समझ लो, ठीक है? अभी क्या है, ये एग्जाम्पल है। जैसे तुम्हारे पास एक स्पेस आएगा, अभी आएगा जैसे, तो ये है जैसे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, ये ग्रीन का मतलब क्या है, तुमने एक वर्ड गेस करना है। अब मान लो तुमने वेयरली गेस किया, तो उसमें तुमको अगर ये वर्ड ग्रीन में आया, इसका मतलब ये वर्ड सही है, और अगर उसी जगह पे तो उसी जगह पे ही है, ठीक है? उसके बाद मान लो तुमने दूसरा वर्ड किया 5 करेक्टर का, पिल्स, तो ये आई जैसे आया, तो आई का मतलब ये येल्लो में आया, वर्ड सही है लेकिन येल्लो में आया, इसका मतलब ये अपनी जगह में सही नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गए समझ गए। उसके बाद तुमने वेग किया, तो उसमें यू आया, यू इज नॉट द वर्ड इन एनी स्पॉट, राइट? तो ये है ही नहीं वर्ड, तो ये गेम है, ठीक है? अब आज का वर्ड क्या है वो तुमको खेलना पड़ेगा, राइट? तो उसको ये आगे तुम्हारे वर्ड और तू इसमें कर, ठीक है? अब तुमको तुमको गैस करना है कि ये हो गया, ठीक है? अब तुम गैस कर, ये तू गैस करेगा, ये तू गैस कर। अब यहाँ पे कोई भी पांच वर्ड का एक, पांच कैरेक्टर का एक वर्ड डालो। पांच कैरेक्टर का एक वर्ड डाल, कोई एक वर्ड डाल जिसमें पांच वर्ड होते, जैसे सैंपल हो गया या फूडी फूड्स हो गया, कुछ भी एक डाल। क्या डाला दिखा? वाटर। अभी एंटर कर, मैंने वर्ड्स एक मिनट उसको देखने दे पहले। एंटर किया, दिखा
सो एंटर किया तो नहीं किया, उसमें टी एक वर्ड है तेरा, जो भी इसमें एक्चुअल वर्ड आएगा उसमें टी वर्ड सही है, लेकिन ये गलत जगह पे है। अब तू सेकंड वर्ड ट्राई कर, तेरा क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वर्ड्स कुछ भी हो सकता है, बट टी उसमें एक है, मतलब एक अगर एक वर्ड बन रहा है तो उसमें आना चाहिए। हाँ उसमें टी होगा एक, तू तूने वर्ड्स लिखा ना, अब एंटर कर तो तेरा ओ आया, इसका मतलब ओ जो है तेरे उसमें वर्ड में ओ है, लेकिन ये सही जगह पे। अब तेरे को गेस करना है कि पूरा वर्ड क्या हो सकता है। ओ से किसी से भी एनीथिंग, देयर इज अ फाइव वर्ड आएगा एक, जैसे वर्ड्स तूने लिखा है ना, तो आज के क्विज में अगर वर्ड्स एक वर्ड होगा तो वो सारे ग्रीन हो जाएंगे तेरे। तो नाउ यू हैव टू गेस क्या है, क्या गेस? ओ से गेस करना है फिर, ओ से कोई भी वर्ड से करो, ओ से करो, एम से करो, एस से करो, नंबर मैच होने चाहिए। तो वो अगर चूज करेगा तो ओ यहीं पे आना चाहिए, क्योंकि ये उसकी सही जगह है, तो यहाँ पे डालेगा तो वो गलत हो जाएगा, यहीं पे आना चाहिए वो। समझ गया? तेरा क्या आया? टी आया ना, कर। तो तूने लिखा शुगर, अभी इसमें जितने ये वर्ड है ना एस यू जी ए आर, जैसे ए पहले आ चुका था तो ए तो है ही, उस है ही नहीं उस वर्ड में, तो तेरे को ए चूज नहीं करना चाहिए था, आर चूज नहीं करना चाहिए था, समझ गया? हाँ तूने अब जैसे बुक्स लिखा तो क्या लिखा, तूने एस वही यूज कर लिया, एस आता नहीं, अगर एस यहाँ पे आ रहा है ना, इसमें ग्रीन कलर है ना येलो कलर है, तो एस आएगा ही नहीं। डी तूने लिया तो बट ये बुक्स तूने कर दिया, लेकिन बुक्स है नहीं वर्ड, तो जो वर्ड अभी यहाँ पे दिख रहे हैं ना येलो में ना ग्रीन में, वो वर्ड तेरे उस वर्ड में नहीं है, समझ गया? ओनली सिक्स अटेम्प्ट यू विल गेट, थिंक। जो वर्ड आ चुके हैं वो नहीं हो सकते। अब येलो तेरा वर्ड है टी, इसका मतलब टी वर्ड तेरा आएगा ही आएगा, बट ये गलत जगह प्लेस है अभी। और तेरा ओ आया है वो सही जगह प्लेस है, लेकिन कौन सा पांच कैरेक्टर का एक वर्ड हो सकता है। तूने फिर टी ट्राई किया लेकिन टी सही जगह पे नहीं है। एक मिनट मैं तुमको एक हिंट दे देता हूँ, क्योंकि वर्ड सेम ही है राइट, तो उसमें टी भी है और एस भी है। अब ये समझ लो, अब सोचो कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें एस भी है या टी भी है, एस भी है और टी भी है। एस से चालू होता है, मुझे क्या पता, टॉस, मुझे टॉस में चार ही वर्ड हुए ना, तो सही। ओ तो तूने जो तो लिखा है ओ तो सही है, एम भी है। अब मैं एक्चुअली तुमको तीन वर्ड मिल गए, तेरे को सुन रहा है आदि, तेरे को भी मिल गए, हैं? एम का क्या करना है? अभी तुम्हारे उसमें एम भी है, ओ भी है और टी भी है। नाउ यू गेस। चलो मैंने बता दिया कि टी भी है, ओ भी है और टी भी है। मदर, मदर में तो एस नहीं आता, मुझे क्या पता, चेक करो। मंत्र भेज दिया, ये देखो। यस, देखा इसका आ गया वर्ड मंथ, गिफ्ट तो मेरा। तेरा क्या आया अभी? एम ओ यू एन टी, इसका मतलब देख अब क्या आया, एम ओ एन टी, इसमें यू नहीं है वर्ड, लेकिन एन अपनी जगह पे नहीं है, टी अपनी जगह पे नहीं है, तो क्या वर्ड होगा? एम एन टी और ओ आने चाहिए। हाँ एम ओ एन टी आना चाहिए, क्या आएगा बता? टी एच, ठीक है मंथ लिखा। अब ये देख, हो गया ना मैच, ये है मंथ। सो आदि और वीर ने तो कर लिया है, लेकिन मैंने इनको गाइड किया, ने कल वाला अगर सही से करेंगे तब देखते हैं। आज कितने चौथे अटेम्प्ट में ट्राई किया, तो अगर आपको भी गेम समझ में आया तो आप भी कीजिएगा और बताइएगा कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। सो हम लोगों का खाना पीना भी हो चुका है, सो विद दिस हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। अगर आपको वर्डली पसंद आया है तो वर्डली आप ट्राई करके देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कि आपका कितने अटेम्प्ट में आप उसको कवर कर पाएं। सो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ शुभ रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।